आज हम लोग बायोलॉजी में देखने जा रहे हैं सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में आप लोगों को पहले पता होगा, साइंस के क्लास में पढ़े होंगे कि जैसे एग्जांपल में ले लिया जाए जैसे ह्यूमन विंग्स, तो ह्यूमन विंग्स का फॉर्मेशन जो है इनिशियल स्टेज में एक स्पर्म सेल और एक ओवा सेल यानी दो सेलों के मिलने से हुआ, और आज मिलियन सेलों के मिलने से ये पूरा ह्यूमन बॉडी खड़ा है। तो जिसका कारणों में से एक कारण है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में आपको बताया गया कि जिस सेल में डिवीजन होता है उस सेल को पैरेंट सेल बोला जाता, मदर सेल बोला जाता, या उसी को हिंदी में मातृ कोशिका कहते, और डिवीजन के बाद बनने वाले सेलों को डॉटर सेल यानी हिंदी में बोले तो संतति कोशिका कहा जाता। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन तीन तरह का, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो नाम से स्पष्ट है ए माइटोसिस। ए माइटोसिस बोले तो असूत्री यानी अ का मतलब मीनिंग होता है ना, यानी जिसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं हो, यानी वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस लंबा होकर दो भागों में बढ़ जाए, वैसे सेल डिवीजन को ए माइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता। किंतु मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन जो है वो दो तरह का, एक को बोला जाता है माइटोसिस और एक बोला जाता है मियोसिस। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी जो है ना वो सेल के मिलने से बना है, और सेल भी हमारे बॉडी में दो तरह का, एक सोमैटिक सेल और एक गोनेड सेल। तो सोमैटिक सेल बोले तो काई कोशिका, काई कोशिका बोले तो बॉडी सेल। अगर किसी बॉडी पार्ट में अगर जख्म हो जाए और जख्म भरा जा रहा हो तो उसमें कौन सा सेल डिवीजन, तो माइटोसिस सेल डिवीजन। और एक सेल का टाइप बताया गया गोनेड सेल, गोनेड सेल बोले तो जनन कोशिका, और गोनेड सेल मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो इस तरह से आपको सेल डिवीजन का इनिशियल लेक्चर दिया गया। ओके।